सादान भाईजान, अब सिंदबाद हमें छुड़ाने नहीं आएगा। अल्लाह पर भरोसा रखो साहिरा, मत रो। अब हमें कौन बचाएगा? अल्लाह बचाएगा। मेरा दिल कहता है सिंदबाद को अल्लाह ने जरूर बचाया होगा। अल्लाह से दुआ करो सिंदबाद हम तक जरूर पहुंच जाए। सिंदबाद जहां भी हो अल्लाह उसकी हिफाजत करे। आमीन आमीन आमीन। ऐ मेरी मददगार परी, मैं तेरा एहसान मंद हूँ कि तूने मेरी जान बचाई। जान तो अल्लाह ने बचाई है, क्योंकि उन मासूम बच्चों को जालिम औरत के खूनी हाथों से बचाने के लिए ही अल्लाह ने तुझे यहाँ भेजा है। हाँ, मगर ऐ नेक दिल परी, तू कैद कैसे हो गई? एक रात मैं और मेरी प्यारी घोड़ी बर्क रफ्तार समंदर के ऊपर सैर कर रही थी कि मलिका तागुती और उसकी चुड़ैल सहेली ने मुझे धोखे से पकड़कर इस आईने में कैद कर दिया। इसका मतलब है तू अपने इस कैद खाने के साथ ही उड़ सकती है, इससे बाहर नहीं निकल सकती। हाँ, और ना ही मैं किसी की मदद कर सकती हूँ, और काले जजीरे में भी मैं हर जगह नहीं जा सकती। मैं अपनी तलवार सुलेमानी से तेरे इस कैद खाने को तोड़ देता हूँ। ना ना, ऐसा ना करना, ना, वरना मेरी प्यारी घोड़ी बर्क रफ्तार मर जाएगी। उसकी जान भी इस आईने में है। अगर मलिका तागुती मर जाती है तो फिर मैं और मेरी प्यारी घोड़ी बर्क रफ्तार खुद बखुद आजाद हो जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला वो दिन जरूर आएगा। मुझे मुझे सूरज ग्रहण से पहले उन बच्चों को बचाना है, और मेरे पास वक्त बहुत कम है। सिर्फ 4 दिन का वक्त है मेरे पास। हाँ, और इन 4 दिनों में तुम्हें 3 मुश्किल मंजिलें तय करनी है। आग का दरिया, मौत का कुआं और हिलते टकराते पहाड़। ये आग का दरिया मैं कैसे पार कर सकता हूँ? ये आग का दरिया मलिका तागुती की चुड़ैल सहेली के कब्जे में है। मेरी प्यारी घोड़ी बर्क रफ्तार भी वहीं कैद है। तुम मेरी प्यारी घोड़ी बर्क रफ्तार को आजाद कराकर उस आग के दरिये को पार कर सकते हो। तो फिर चलो, मुझे फौरन बर्क रफ्तार के पास ले चलो। हाँ चलो।
आदमजात सिंधवा धागा, आदमजात सिंधवा धागा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, सिंधवा को पकड़ो। चलो बरक रफ्तार। बर्क रफ्तार, अपनी रफ्तार तेज कर, मुझे आग का दरिया पार करके उन बच्चों के पास पहुंचना है। न जाने उनका क्या हाल होगा। अम्मा बचाओ, अम्मा बचाओ। चुप हो जाओ कुर्बानी के बच्चों, तुम्हारे रोने की आवाजें मुझे पसंद नहीं है। मुझे पसंद है, मुझे पसंद है जाजाल। इन सब बच्चों को, इन सब बच्चों को बेबसी से रोने दो। बच्चों की चीखें, आहें, रोने की आवाजें सुनकर मेरी रूह झूम उठती है। मेरी शैतानी ताकत और भी बढ़ जाती है जाजाल। इन्हें मौत से डराओ, इन्हें मारो, खूब मारो इन्हें। जाजाल, जाजाल, ये मुझसे रहम की भीख क्यों नहीं मांगते? अपनी माँ को क्यों पुकारते हैं ये? ये पुकार तू नहीं समझेगी मलिका तागुती। तू औरत जरूर है, मगर तेरे सीने में औरत का दिल नहीं, माँ की ममता, माँ का प्यार नहीं। तू सिर्फ जालिम है, जालिम। मत सता जालिम किसी को, मत किसी की आह ले। दिल के दुखने से तो आसमां भी हिल जाए है। अल्लाह के बंदों के यहाँ माँ का दर्जा बहुत ऊंचा है। माँ के पैरों तले जन्नत है, जन्नत। मैं उस जन्नत को जहन्नुम बना दूंगी, परी माजबीन शाहिदी। सुन, मैं माँ के कलेजे को ऐसा तड़पाऊंगी, ऐसा रुलाऊंगी कि माँ खुद अपने ही आंसुओं में डूबकर मर जाएगी। अम्मा, अम्मा बचाओ, अम्मा, अम्मा, अम्मा बचाओ, सादान, 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 मेरा बच्चा, सादान, 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 कहाँ चला गया, कहाँ चला गया मुझे छोड़कर, मेरा बच्चा, सादान, मेरा बच्चा। मैं यहां से नहीं उठूंगी, अब यहां से मेरी लाश नहीं उठेगी, मेरा जनाजा ही जाएगा। मेरी कब्र की मिट्टी का हर जर्रा जोर जोर से पुकारेगा, मेरा बेटा सादान, सादान, सादान। तू सुन रहा है ना मेरे अल्लाह, तू सुन रहा है ना मेरे अल्लाह। मैं झोली फैलाए तुझसे कुछ मांग रही हूँ। मुझे दुनिया की दौलत, ये आराम नहीं चाहिए, मगर मुझे मेरे दिल का टुकड़ा, मेरी आंखों का तारा, मेरी जिंदगी मुझे दे दे। मेरी जिंदगी और मौत के मालिक, डाल दे इसमें मौत या मेरा बच्चा, मुझे मुझे मेरे बच्चे से मिला दे, मुझे मेरे बच्चे से मिला दे। अम्मा,
सर भी गिरा? नहीं, नहीं। क्या हुआ? सिंधबाद ने तेरी सल्तनत की दूसरी मंजिल आग का दरिया भी पार कर लिया है। आग का दरिया पार कर लिया? वो मेरी हुकूमत की आधी जमीन तक पहुंच गया? पहरेदारों ने उसे मारा क्यों नहीं? सिंधबाद ने पहरेदारों को मार डाला। मनहूस, तू भी मार। मुबारक हो बच्चों, सादान, रऊफ, मरगूब, सानिया, मुबारक हो। सिंधबाद ने आग का दरिया पार कर लिया है और वो यहाँ आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं आ सकता। ए बेवकूफ नादान परी महजबीन, अभी
अभी मौत का कुआं और हिलते हुए पहाड़ रास्ते में हैं। अगर वो मौत के कुएं में जाएगा तो वापस नहीं आएगा, और अगर वो हिलते हुए टकराते हुए पहाड़ों से गुजरेगा तो कुचला जाएगा, जिंदा नहीं बचेगा। वो जिंदा रहेगा और यहाँ जरूर आएगा। वो यहाँ तक नहीं आ सकता, मैं उसका हर कदम रोक दूंगी। तू अल्लाह के चांद की चांदनी को चमकने से नहीं रोक सकती मलिका तागुती। रोक सकती हूँ रोक सकती हूँ काली घटा बनकर। वो चांदनी काले बादलों के कफन में लिपटकर जमीन तक पहुँचने के लिए तरसती रहेगी। चांद की रोशनी को कुछ देर के लिए तो रोका जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अल्लाह के हुक्म से बादल छट जाएंगे, हवाएं रुक जाएंगी, मौसम बदल जाएगा, और फिर चांद की रोशनी जमीन तक जरूर पहुंच जाएगी मलिका तागुती। ऐ परी महजबीन शाहिदी, जब तक तेरे अल्लाह की रोशनी जमीन तक पहुंचेगी, दुख्तरे शैतान कामयाब हो चुकी होगी। सूरज ग्रहण को अब सिर्फ 3 दिन रह गए हैं, किसी तरह ये 3 दिन भी कट जाएंगे, और फिर इन सब बच्चों के सर काट दिए जाएंगे। अब सिर्फ 3 दिन रह गए, या अल्लाह मेरी मदद कर। अभी निकालता हूँ।